दुर्व्यवहार कर संगे हाथाहाति कर अभियोग उठे स्थानीय बेस किछु दुष्कृती बिरुद्धे पुरो घटनाटी पेट्रोल पाम्पे लागानो सीसीटीवी फुटेजे धरा पड़े और पेट्रोल पाम्पे कर्मचारी संगे हाथाहाति होयेछे पेट्रोल पाम्पर मालिक पेट्रोल पाम्पे कर्मचारी ओपर हमलार अभियोग उठे दुष्कृतीदेर बिरुद्धे और पुरो घटनाटी सीसीटीवी फुटेजे लक्ष्य करा गेछे एमनटाई अभियोग करछेन पेट्रोल पाम्पर मालिक। ठीक कि अभियोग करछेन शुनुन। नहीं अच्छी बात है, कल ही हमको वहाँ से जो वेटनर के जितने कर्मी हैं वो लोग फोन किए थे, वो शिकायत किए हैं तो वहाँ पर कुछ लोग जो है जबरदस्ती पेट्रोल पंप में आकर रात के समय में गुंडागर्दी करते हैं और वहाँ का जो स्टाफ है, यहाँ तक कि जो लड़कियाँ काम करती है उनको भी नहीं बख्शा जाता, उन पर भी हाथ लगा, उनको भी हाथ चला दिया जाता। तो ये सबसे पहली बात है कि जो भी हो वो किसी भी तबके का लोग हो बख्शा नहीं जाएगा। इस तरह से जो लोग गरीब परिवार के लोग जो वहाँ पर पेट्रोल में काम करके अपना जीविका चलाते हैं उन पर जुल्म बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और सबसे पहली बात है कि महामारी मानी से सरकार है और कोई भी अगर सोचेगा कि इस तरह से जुल्म करेंगे तो बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम लोग इसकी शिकायत आज हमारे जिला सभापति माननीय अभिजीत घटक से की है और उनसे पूरा घटना विस्तारित बताया है। इस पर जो है हम लोग तुरंत एक्शन ले रहे हैं। घटना ये हुआ कि हम लोग अपना नोजल मैन काम करते हैं, तेल देते समय अचानक वो लोग पूछने लगा कि हम पहले आए कि वो आए। हम सिर्फ यही बोले कि दादा कौन आया पहले, हम नहीं जानते। इतने पे वो लोग गाली देना चालू और हाँ उसके बाद वो लोग गए वहाँ से बुलाकर 15-20 आदमी लेकर आए और वो उन लोगों के साथ मिल के मेरे को थप्पड़ थप्पड़ दगने लगा, मारने लगा और गाली वाली भी दिया पर्सनल को। ये भी बोला कि ये पंप क्या तुम लोगों का चल रहा है, हम लोग चलाते हैं। इतना इतना घटना हम लोग साथ आइंदा ही होता है, ये एक बार नहीं हो चुका है, इन लोगों के साथ पहले भी हो चुका है इन लोगों के साथ भी। इसका कोई कंप्लेन हुआ अभी तक? कोई ऐसे इशू नहीं हुआ। आपका कंपनी के जो मालिक है वेटरन का वो उनका क्या कहना है? अभी तक सर से बात ही नहीं हुआ है, अभी सर से बात होगा तब कुछ हो सकता है। आशुन